नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर के एडवाइस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टाइपिंग किस प्रकार से कर सकते हो या फिर आप अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको एकदम शुरू से एकदम बेसिक से कंप्यूटर कैसे चलाते हैं उसके बारे में आपको सिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपको टाइपिंग करने के लिए दोस्तों जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे हैंड होते हैं दोस्तों उसको हम जो ये कीबोर्ड होता है दोस्तों तो हमारे जो हैंड को कीबोर्ड को किस प्रकार से रखना है और जो कौन सी जो हमारे कीबोर्ड की जो की होती है दोस्तों तो कौन सी की को हमें किस उंगली से हमें दबाना है। दोस्तों, इस प्रकार से हम फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको अगर टाइपिंग करना सीखना चाहते हो या फिर आप टाइपिंग फास्ट टाइपिंग करना सीखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको टाइपिंग करने से पहले यह पता होना चाहिए कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, जो नॉर्मल जो हमारा कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसमें 104 की होती है। दोस्तों, इसमें ये जो F के फॉर्मेट में ये जो की होती है दोस्तों, हम इसे फंक्शन की बोलते हैं। और दोस्तों, इसके बाद ये जो हमारी जो मेन कीबोर्ड होता है जिसमें ये जो ABCD लिखी हुई है दोस्तों, यह जो हमारा मेन कीबोर्ड होता है दोस्तों, और ये जो हमारा जो कीपैड वाला होता है दोस्तों, हम इसे नंबर एक की बोलते हैं। दोस्तों, इसमें हम टाइपिंग करने से पहले जो हमारे हैंड होते हैं दोस्तों, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है और दोस्तों जो हमारा राइट हैंड होता है दोस्तों, हमें इनको कीबोर्ड पर सिंपल सा किस प्रकार से रखना है दोस्तों, हम उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हम जब टाइपिंग करते हैं दोस्तों, हम जैसे हमें कुछ भी वर्ड लिखना होता है दोस्तों, हम सिंपल सा इस पे यहाँ पे हमें जो भी जो उंगली से हमें कोई सी भी की दबाना है, हम इस प्रकार से वर्ड दबा के हम लिख देते हैं, जिससे दोस्तों हमें कठिनाई होती है कुछ भी वर्ड वगैरह लिखने में। तो दोस्तों, इसका आसान तरीका है कि जो हमारे हैंड होते हैं दोस्तों, जो हमारा हैंड होता है दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी ये जो छोटी उंगली होती है दोस्तों, इसको हमें यहाँ पे सिंपल सा ए पे रखना है दोस्तों। इसके बाद जो हमारी जो ए इसके साइड वाली है दोस्तों, इस पे इसको एस पे रखना है, और ये जो बीच वाली जो मिडिल फिंगर होती है दोस्तों, उसको डी पे रखना है, और इसको एफ पे रखना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे रखना है कुछ कुछ के, यहाँ पे ए को छोड़ के दोस्तों एस से स्टार्ट करते हैं, और फिर इस प्रकार से यहाँ पे रखते हैं, और एच को छोड़ के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखते हैं दोस्तों। हमको उससे टाइपिंग करने में यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है। तो दोस्तों, हमें सिंपल सा यहाँ पे इसको ए पे रखना है, और इसको एस पे, डी पे, और एफ पे, और जी पे, इस प्रकार से हमें यहाँ पे यहाँ पे एफ तक हमें यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद हमें जी और एच, यहाँ पे जी और एच ये दो की है, यहाँ पे हमें इन दोनों की को यहाँ पे छोड़ देना है दोस्तों। इसको छोड़ने के बाद सिंपल सा हमें यहाँ पे जे पे रखना है, जो हमारा जो राइट हैंड होता है उसकी ये वाली जो उंगली अंगूठे के साइड वाली उंगली को हमें सिंपल सा यहाँ पे जे पे रखना है, और जे पे, और जो मिडिल फिंगर है दोस्तों उसको के पे रखना है, और ये वाली जो फिंगर है यहाँ पे के, इसको एल पे रखना है दोस्तों, और ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली है जो राइट हैंड की दोस्तों, उसको यहाँ पे ये जो डॉट बने हुए हैं दोस्तों, इस पे यहाँ पे रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमारे हैंड है जो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस पे रखा, और जी और एच को छोड़ के यहाँ पे सिंपल सा हमने जे के एल और ये वाली डॉट को इस प्रकार से रखा। और दोस्तों, अब रही बात हमारे दोनों थंब की, जो हमारे दोनों हैंड के जो अंगूठे हों दोस्तों, तो उन्हें हमें ये जो बड़ी सी स्पेस बटन होती है दोस्तों, हमको इस पर हमारे जो थंब है दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ पे रख लेना है। तो दोस्तों, सिंपल से हमें इस प्रकार से यहाँ पे रखना है दोस्तों। अब हम टाइपिंग करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें ये दबाने की जरूरत होती है, सिंपल से हमारी जो छोटी उंगली ये वाली उंगली है दोस्तों, तो हम सिंपल से यहाँ पे इस प्रकार से हम ए को दबा देते हैं दोस्तों। हमको ए को दबा के हमारा हैंड इस प्रकार से हमें ए को दबाना दोस्तों। अगर एस की जरूरत पड़े तो हमें इस उंगली से हमें एस को दबाना है, और अगर डी की जरूरत पड़े तो हमें इस उंगली से हमें यहाँ पे डी को दबाना है, और इस उंगली से हमें एफ को दबाना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे सिंपल से हमें जो भी दबाना है हम यहाँ पे इस प्रकार से इन उंगली से हम दबा सकते हैं। उसी प्रकार से हमें
यहाँ पे जे के एल और ये जो ये वाली की है दोस्तों, इस प्रकार से हम इन्हें भी, हमें यदि जे दबाना तो दोस्तों इससे और के इससे और एल इससे, इस प्रकार से हम यहाँ पे दबाकर हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हमें स्पेस देना है तो सिंपल से हमें इन दोनों अंगूठे में से दोनों अंगूठे या फिर एक अंगूठा कोई से भी इस प्रकार से हम स्पेस यहाँ से दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे कि हमने ये वाली की बात की, अब दोस्तों यहाँ से ए से लगाकर हम एल तक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, 4 ये और 4 ये हमें इन की को तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दबा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हमें यहाँ पे ये जो ऊपर वाली जो लाइन है दोस्तों, इनको दबाने दोस्तों, इन्हें दबाने के लिए सिंपल से हमें यहाँ पे इस प्रकार से हमारा हैंड होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अगर हमें क्यू को दबाने दोस्तों, हमारे जो ये वाली जो फिंगर है दोस्तों, इससे ए पे से उठा के सिंपल से हमें इस प्रकार क्यू को दबा के हमको फिर से यहाँ पे ए पे वापसी आ जाना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे क्यू को दबा के हमारे जो फिंगर हमारा जो हैंड है यहाँ पे हम ऊपर इसको ले जाते, नहीं दोस्तों, हमको सिंपल से ये जो फिंगर है यहाँ पे हमें क्यू को दबा के वापसी हमें ए पे आना है इस प्रकार दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हमें डब्ल्यू दबाना है दोस्तों, ये वाली जो फिंगर है दोस्तों, यहाँ से एस पे से उठा के हमें डब्ल्यू को दबाना है, और डब्ल्यू को दबाने के बाद सिंपल से हमें यहाँ पे एस पे वापसी आ जाना है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे डी वाली जो फिंगर है दोस्तों, मिडिल फिंगर, उसको यहाँ पे ई को दबाना है, और ई को दबाने के बाद सिंपल से हमें वापसी यहीं पे आ जाना है। अगर हम इस प्रकार से भी दबा सकते हैं या फिर हम दोनों उंगली को इस प्रकार से ले जाके ई को दबा के हम यहाँ पे वापसी इस प्रकार से आ सकते हैं। इसी प्रकार से हमें आर को दबा के हमसे वापसी आना है दोस्तों। इसके बाद इसमें भी यहाँ पे टी और वाई को यहाँ पे दोनों को छोड़ देना है। दोनों को छोड़ने के बाद हमें सिंपल सा जो हमारा राइट हैंड हैंड होता है दोस्तों, उसी से हमें यहाँ पे जैसे कि हमको जे पे से यहाँ पे उठाना है दोस्तों हैंड, और यहाँ पे जे पे से उठा के सिंपल से हमें यू दबाना है। अगर यू दबाना तो सिंपल से हम यहाँ पे यू पे आके हम सिंपल से यहाँ पे जे पे आ जाएंगे वापसी दोस्तों। इसी प्रकार से हमें के दबाना है, तो दोस्तों के दबाने के बाद हम इसको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे के दबा के को अगर दबाना है दोस्तों, के तो हम यहाँ पे दबा देंगे, लेकिन दोस्तों के ऊपर वाली हमें बटन दबाना है दोस्तों, सिंपल से हमें बी जो मिडिल फिंगर होती है उसको यहाँ पे उठा के सिंपल से यहाँ पे हमें अगर आई दबाना है दोस्तों, आई दबाने के लिए सिंपल से हम इसको इस प्रकार से आई दबा के हम फिर से हम यहाँ पे हमारी जो की है दोस्तों के हम उस पर वापसी यहाँ पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें ओ दबाएं तो इसको ये वाली जो फिंगर है इससे वो दबा के हम वापसी यहाँ पे एल पे आ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे पी दबा के हम वापसी इससे ये वाली डॉट वाली यहाँ पे जो कॉमा वाली ये जो की है दोस्तों, हम इसी पे हमारा हैंड होना चाहिए दोस्तों। और ये दो हमारे अंगूठी है इस प्रकार से हमें यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे स्पेस भी दे रहा हूँ, और हमें जो ऊपर वाली जो की है दोस्तों हम इस प्रकार से यहाँ पे इन्हें दबा भी पा रहे हैं। जैसे हमें आर दबाना तो इस प्रकार से, हमें ई दबाना तो इस प्रकार से, डब्ल्यू इस प्रकार से, यहाँ पे अगर हमें यू दबाना तो इस प्रकार से, यहाँ पे आई दबाना हो ओ दबाना और पी दबाना, तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे दबा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमें जी और एच और टी और वाई दबाएं तो दोस्तों सिंपल से हमें यहाँ से जो हमारा हैंड है दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, हम सिंपल से इसे थोड़ा इस प्रकार से कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार से हम थोड़ा यहाँ से हल्का सा यहाँ पे ऊंचा कर लेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे दबाने में आसानी होगी। इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसे इस प्रकार से यहाँ पे जमा लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ हमारा कीबोर्ड है दोस्तों, हमने इस प्रकार से थोड़ा इसके जो हुक है यहाँ पे टूट गए दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कीबोर्ड है तो हम इस प्रकार से यहाँ पे आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमको हमारे हैंड रखना है, और इस प्रकार से हम टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। हमें अगर जी और एच दबाना तो दोस्तों सिंपल से हमें जी दबाना, तो दोस्तों ये वाली जो फिंगर है हमको एफ से उठा के सिंपल से यहाँ से जी दबा के हमसे हमारी जो फिंगर है वापसी एफ पे आना चाहिए। और अगर हमको यहाँ पे एच दबाएं तो दोस्तों एच दबा के वापसी हमारी जो फिंगर है यहाँ पे जे पे आना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे टी दबा के यहाँ पे एफ पे आना है, और यहाँ पे इस फिंगर से वाई दबा के यहाँ पे जे पे आना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमें यहाँ पे जैसा कि हम जो ये जो फिंगर होती है दोस्तों, इससे हम यहाँ पे हम 4 बटन दबाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एफ दबाना पड़ता है, एक आर दबाना पड़ता है, एक टी और एक जी। इस प्रकार से हम यहाँ पे 4 बटन दबाते हैं ये वाले फिंगर से, और दोस्तों जो राइट हैंड की फिंगर है इससे भी हम यहाँ पे 4 बटन दबाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एच दबाना पड़ता है, वाई दबाना पड़ता है, यू दबाना पड़ता है, और जे दबाना पड़ता है। इस प्रकार से हम ये 4 बटन इस फिंगर से दबाते हैं। बाकी दोस्तों हमारी जो ये वाली जो 3 फिंगर है दोस्तों, और ये वाली जो 3 फिंगर है दोनों हैंड की, तो दोस्तों इससे हम सिंपल से यहाँ पे हम दो दो की दबाते हैं। जैसे ये ए और क्यू, और इस प्रकार से हम ये जो एफ 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 को छोड़ के इधर की जो 3 के दोस्तों, ये वाले 3 और ये वाले 3, हम इन 6 को दबाते हैं। और इस प्रकार से इधर की ये यहाँ पे यू आई सॉरी यहाँ पे टी वाई को छोड़ के यू आई ओ और पी, और यहाँ पे
JKL और ये, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे, इधर हम यहाँ पे चार दबाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे हम तीन दबाते हैं दोस्तों। यहाँ पे U और J को छोड़ना है, और ये तीन और ये तीन, इस प्रकार से हम यहाँ पे छः के दबाते हैं, और इधर भी छः दबाते हैं, और बीच में यहाँ पे हम चार चार के यहाँ पे दबाते हैं दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो नीचे वाली जो लाइन है दोस्तों, इनको दबाने के लिए दोस्तों इनको भी उसी प्रकार से सेम दबाना है जैसे कि हमारा हैंड इस प्रकार से रखा हुआ है। अगर हमें यहाँ पे V के दबाने दोस्तों, सिंपल से हम F पे से हटा के सिंपल से हमें यहाँ पे V दबाना है, और यहाँ से हमारी, अगर हमें यहाँ पे सी दबाने तो दोस्तों हमारी जो मिडल फिंगर है तो उसको हल्का सा हमें नीचे आके यहाँ पे इस प्रकार से हम सी दबा के वापसी हम यहाँ पे डी पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे एक्स दबाने तो दोस्तों जो हमारी एस पे जो फिंगर है दोस्तों, हम सिंपल से उसको हल्का सा नीचे सरका के यहाँ पे एस दबा के हम फिर सॉरी यहाँ से एक्स दबा के फिर से हम यहाँ पे एस पे वापसी आ जाएंगे। उसी प्रकार से हमें ए दबा, हमें जेड दबाने तो दोस्तों ए पे से हटा के सिंपल से हम हल्का सा नीचे यहाँ पे फिंगर करके जेड दबा के हम फिर से यहाँ पे ए पे आ जाएंगे। या फिर आपको इस प्रकार से दबाने में कठिनाई हो रही है तो दोस्तों सिंपल से आप हमारा जो हैंड है पूरा हम हैंड आके जो हमारे हैंड है हम नीचे आके हमें जो भी की दबाना हम दबा के वापसी हम यहाँ पे इस प्रकार से आ सकते हैं। इस प्रकार से हम हैंड को भी हम उठा के इस प्रकार से दबा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें यहाँ पे बी को इस फिंगर से दबाना है, और हमें सिंपल से यहाँ पे एन को भी इस फिंगर से दबाना है, जे को हमें यहाँ पे एन को इस फिंगर से, और यहाँ पे एम को इस फिंगर से, और के को इस फिंगर, जैसे कि हमें इधर हमने दबाया उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी इस प्रकार से हमें दबाना है। अब दोस्तों अगर हमें कोई भी की अगर शिफ्ट के साथ दबानी हो तो दोस्तों शिफ्ट के साथ कोई भी की दबाने के लिए सिंपल से हम यहाँ पे शिफ्ट, अगर हमें जैसे कि हमारा हैंड यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, अब हम यहाँ पे जैसे कि हमें एच यहाँ भाई से लगा के दोस्तों इधर वाली बटन, और एच से लगा के इधर वाली बटन, और दोस्तों यहाँ पे बी से लगा के इधर वाली बटन अगर हमें दबाना हो तो दोस्तों उन्हें दबाने के लिए सिंपल सा हमें यहाँ पे इस ये वाली शिफ्ट को इस ये छोटी उंगली से यहाँ पे शिफ्ट को दबा के रखना है दोस्तों, और ये जो हैंड है दोस्तों उससे हम यहाँ पे कुछ भी ये दबा सकते हैं दोस्तों। हम इस प्रकार से हम शिफ्ट से इन की को हम दबा पाएंगे तो दोस्तों, और अगर दोस्तों हमें इधर वाली जो की है अगर इन्हें हमें दबाना है दोस्तों, सिंपल से हमें ये वाली उंगली से हमें यहाँ पे सिंपल से इसे शिफ्ट से दबा के हम ये वाली ये इधर की जो की है हम इनको दबा सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमें कंट्रोल के साथ कोई भी की दबाना है तो जो हमारा हैंड है दोस्तों यहाँ पे ये जो चिट्टी उंगली दोस्तों हम यहाँ पे कंट्रोल पे रखना है दोस्तों। कंट्रोल पे रखने के बाद हम इधर वाली ये जो की है इतनी दोस्तों हम इधर की दबा सकते हैं। उसी प्रकार हमें इधर भी एक कंट्रोल बटन देखने को मिलता है दोस्तों, इसको भी हम यहाँ से इस ये जो फिंगर है दोस्तों हम इससे इस प्रकार से यहाँ पे ये फिंगर को ये कंट्रोल की को दबा के हम इधर की जो की है दोस्तों उसको हम दबा सकते हैं दोस्तों, और स्पेस तो हमें इस बड़ी सी बटन में से ही देना है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे इन की का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमें ये जो यहाँ पे सिंबल का यदि यूज़ करना है दोस्तों, सिंपल सा हम हमारा हैंड उठा के इस प्रकार से हम कोई से भी हमको जो भी आसानी लगे उस उंगली से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें अगर नंबर जैसे 1 2 3 यहाँ से अगर हमें दबाना है दोस्तों, हम इधर ये वाली की का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। नंबर दबाने के लिए सिंपल से हम ये जो हमारे नंबर एक जो पेड है दोस्तों, जो मिनी कीबोर्ड है दोस्तों, हम इसमें से सिंपल से हमें हमारा जो राइट हैंड है यहाँ पे उठा के सिंपल से हम यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस हैंड से हम यहाँ पे नंबर एक की को यहाँ पे हम आसानी से दबा सकते हैं दोस्तों। तो हम आपको यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे कोई सी भी की दबाए तो जो हमारा हैंड है दोस्तों हमको सिर्फ इसी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमें ऐसा कि ऐसा ही यहाँ पे हमारा जो हैंड है यहाँ पे हमें रखना, ऐसा नहीं है कि हम अगर ऊपर ही वाले बटन दबा रहे तो हमारा जो हैंड है यहाँ पे ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे की दबा रहे तो यहाँ पे हमारा हैंड नीचे होना चाहिए। हमारा जो हैंड होता है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हम कोई सी भी की को दबा के हमें यहाँ पे ही हमारा जो हैंड है इस प्रकार से हमें हमारा हैंड यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। आपको और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट करके जो हमारी वीडियो है इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।